और देखने में तो आपको ये फ्रूटी लगेगा, ये पानी लगेगा, लेकिन पिलखाना की तरफ से ये मोहब्बत का शरबत है। ये मोहब्बत का शरबत हम लोग अपने हिंदू भाई रामनवमी के जुलूस में हम लोग अदालती हुकुम व हिदायत की परवाह किए बगैर हावड़ा में खटिक समाज की जानिब से निकाली गई रामनवमी की जुलूस, हाथों में असलहे लिए जय श्री राम का नारा लगा। ये जुलूस हावड़ा गुलमोहर से शुरू होकर एसी मार्केट होते हुए पिलखाना किंग्स रोड पर जाकर खत्म हुआ, मगर इस जुलूस में दिखा कौमी एकजहती की मिसाल। मुस्लिम मर्द खातून कदम से कदम मिलाकर जुलूस में शामिल हुए। इधर पिलखाना में मुसलमानों के जानिब से जुलूस में शामिल अकीदमंदों को शरबत, पानी और ठंडे मशरूब तकसीम करते देखा गया। इस मौके पर पिलखाना के सामाजिक कारकुन अबुल हसन ने साफियों से कहा कि ये पानी नहीं बल्कि मोहब्बत का शरबत है। उन्होंने मौजूद और क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। इससे कबल आप देख सकते हैं कि किस कदर मुसलमान खातून मर्द अपने सर पर टोपी पहने इस जुलूस में किस कदर शामिल हुए हैं। श्री राम भगवान के पैदाइश के खुशी में रामनवमी का जुलूस हर साल की तरह इस साल भी निकलता है, और हर साल की तरह इस साल भी पिलखाना के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, जितने भी पिलखाना पीपल है, सब आज ये रामनवमी जुलूस के इस्तकबाल के लिए ये फ्रूटी, ये पानी, कहीं शरबत, कहीं और कई तरह की चीजें का इंतजाम किया है। देखने में तो आपको ये फ्रूटी लगेगा, ये पानी लगेगा, लेकिन पिलखाना की तरफ से ये मोहब्बत का शरबत है। ये मोहब्बत का शरबत हम लोग अपने हिंदू भाई रामनवमी के जुलूस में हम लोग उनको पेश करेंगे। ये मोहब्बत का शरबत है, देखने में फ्रूटी और पानी है, लेकिन ये मोहब्बत का शरबत हम लोग आज बांट रहे हैं। करी आगे बच्चों रमजान मास से रामनवमी पड़े छिलो, हमरा रोजे रोजा रेखे हमरा एखने इंतजाम तक करे छिलम। हमरा वो तो गौरव आचे, ऐ गौरव में हमारा हिंदू भाई लोग सब निकल रहे हैं, गर्मी से यहाँ खड़ा होना बेहाल है, तो कम से कम कुछ नहीं तो हम लोग पानी का शरबत का इंतजाम करके उन लोग के लिए ये पेश कर दे। ये मोहब्बत का पैगाम है और कुछ नहीं है, हम लोग के जानी के मोहब्बत का पैगाम। जे खाने होच्चे खाने कथा बोलबो ना, पिलखाना कोनो दिने एरुको में कंट्रोवर्सियल छिलो ना, कल भी मोहब्बत था, आज भी मोहब्बत है। हम लोग यहाँ हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे। अबुल हसन।